तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली, क्योंकि आप सभी जो एग्ज़ाम डेट हैं दोस्तों अप्रैल में यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं, जिसके मुताबिक आप सभी जो एग्ज़ाम है अप्रैल में स्टार्ट हो सकते हैं। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं रेलवे ग्रुप डी के, ठीक है, आप लोगों को अंत तक आज की ये वीडियो देखना है। आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए आप सभी के रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सभी तक सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट पहुँचाया जा सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी के एग्ज़ाम अप्रैल में, और आप सभी के ए जितने भी ए नाम वाले हमारे कैंडिडेट हैं इनके एग्ज़ाम पहले जो भी अपडेट आ रही है आप सभी को एक्सप्लेन करी जाएगी, और आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है तो सभी के पास तो पहुँचनी चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बता दें, काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर रेलवे की हमें ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराइए। तो आप लोगों को बता दें आप सभी पास एक सुनहरा अवसर है, एक गोल्डन चांस है, क्योंकि अन अकेडमी अपने बेस्ट एजुकेटर्स से ये जो 14 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, ये आपके जनरल अवेयरनेस के और आपके स्टैटिक जीके के आधारित ये आपके मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, जनरल साइल, जनरल अवेयरनेस और आपका स्टैटिक जीके, इन 14 मॉक टेस्टों में पूछा जाएगा। इन सभी मॉक टेस्टों की लिंक आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है, आप लोग उन पर क्लिक करें और ABHAY, ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान कर लीजिए ये कोड को, क्योंकि इस कोड की आवश्यकता पड़ेगी तभी आप लोग ये मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, ABHAY, अभय डायस्टन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आपको पेड लेना होता है तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अगर फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है, वो भी दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट उसमें छुपा हुआ है रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए, तो वो कंटेंट आप लोग नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये दोस्तों फ्री कंटेंट जरूर यूज़ करा करें, क्योंकि आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं जाता है और आपको इतना कंटेंट अच्छा अकेडमी प्रोवाइड करा रहा है कि यहाँ पर अभी NTPC के एग्ज़ाम हुए हैं, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो अकेडमी का जो मॉक टेस्ट लिए थे फ्री वाला, उसमें में से काफ़ी सारा कंटेंट फंस रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक काम जरूर करें, जीके जीएस और आपका करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके जो भी आपका अनअकैडमी पर हो रहा है ना मॉक टेस्ट, इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये सभी मॉक टेस्टों का लिंक आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके साथ ही साथ रीजनिंग के और आपके क्वांट के भी मॉक टेस्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी मॉक टेस्टों का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग ग्रुप डी की अब तैयारी इतने कम समय में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर अभी दोस्तों आप सभी के साथ हैं, आप लोग आज ही जाके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको बैच कोर्सेस मिल जाएंगे, अनअकैडमी के बेस्ट हर सब्जेक्ट के बेस्ट एजुकेटर आप सभी का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। ठीक है, और कोड तो आपको सेम ही यूज़ करना है, कोई भी आप लोग अनअकैडमी का प्रोडक्ट यूज़ करें, अभय डायस्टन। ठीक है, चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, आप लोगों को बता दें आप सभी के एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट्स भी आना चालू हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को बता दें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर अप्रैल में कैसे एग्ज़ाम हो सकते हैं, जबकि फेज़ 5 में आपका 27 जो है मार्च तक की फेज़ 5 चलने वाला है, इसके बाद 10 से 12 लाख कैंडिडेट जो हैं तब भी बच जाएंगे, जिनके लिए फेज़ 6 का आयोजन किया जाएगा, जिसका आयोजन आपका अप्रैल में किया जाएगा। ठीक है, अप्रैल में किया जाएगा, इस हिसाब से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम तो अप्रैल में हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बता दें, यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे अपडेट्स देखेंगे, काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे देखेंगे, ठीक है, कि रेलवे बोर्ड अप्रैल महीने से ग्रुप डी की परीक्षा लेने जा रहा है। फिलहाल बोर्ड NTPC CBT फर्स्ट की 5वीं फेज की परीक्षा ले रहा है, इसके बाद अप्रैल से जून महीने तक ग्रुप डी का एक परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और भारतीय रेलवे द्वारा आधिकारिक आंकड़े के अनुसार RRB ग्रुप डी 2019-20 के तहत 1.15 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। रेलवे एडमिट कार्ड से पहले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा तिथि स्थल यात्रा पास भी जारी करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रेलवे जो है आपके अप्रैल के लास्ट तक की ये सब जानकारियाँ, यानी कि एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि, स्थल यात्रा पास जारी करेगा। ठीक है, अप्रैल के लास्ट से, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 20 अप्रैल तक ही आप सभी के जो है आपके NTPC के एग्ज़ाम चलेंगे, इसके बाद आपका 24 अप्रैल तक ही यहाँ पे जो है आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये नाम वालों के पहले होगा, इसका अभी तक की कोई भी मतलब कि ऑफिशियल कोई भी अभी ऑफिशियली किसी ने घोषित नहीं किया। ठीक है,